जयप्रकाश जी, दिल्ली में पहले से स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसे में बेड आईसीयू खाली रहते हैं, इसका कितना बुरा असर पड़ेगा, कितने लोगों की जान नहीं बच पाएगी जो कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, खासतौर पर संभावित डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए। दिल्ली के अंदर कोरोना काल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफी असर पड़ा है और जो हॉस्पिटल हमारे कोविड डिक्लेयर हो गए हैं वहां दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण से अन्य डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, उनसे भी जो ग्रसित लोग आएंगे उनको अलग से उनके बेड की व्यवस्था करना, अस्पताल की व्यवस्था करना, ये एक बहुत बड़ा समस्या सामने है। इसको ध्यान में रखते ही हम आगे काम करने वाले हैं, तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के भी हम अपने अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, कोरोना में खून मोटा होता है जबकि डेंगू में पतला, अब जब दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मरीज मिलने लगे हैं तो क्या महामारी की मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोरोना में व्यक्ति के खून गाढ़ा हो जाता है और डेंगू चिकनगुनिया में पतला हो जाता है, लेकिन किसी व्यक्तियों को अगर दोनों चीजें हो गई तो बड़ी समस्या का सामना कर सकता है। इसलिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, अपने डीबीसी कर्मचारियों को बढ़ा रहे हैं, हम फॉगिंग करा रहे हैं, हम दवाई छिड़कवा रहे हैं।